हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। तो जो हमारा वीकली जीके डोज होता है, उसमें हमने 23 अगस्त तक पूरा कर लिया था। तो जो अगस्त का बचा हुआ पार्ट है वो हम आज पूरा करेंगे। तो बेसिकली 24 अगस्त से 31 अगस्त, मतलब अगस्त का जो पूरे आखिरी के दिन है, कंप्लीट। तो विद दिस वीडियो हमारा अगस्त कंप्लीट, फिर हम वीकली सेप्टेम्बर की वीडियो चालू करेंगे, ठीक है? तो दिस इज टिल 24 अगस्त टिल 31 अगस्त, शुरू करें। तो चलिए, मेरा नाम है भानु और स्टार्ट करते हैं वीकली जीके डोज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पहला सवाल देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, जरूरी बात है। इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर मी, और आपको भी चैनल के वीडियो के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, वीडियो मिस नहीं होगा, ठीक है? टेलीग्राम पर भी इसी नाम से हम लोग, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम नाम रहेगा कॉन्सेप्ट। चलो शुरू करते हैं, पहला सवाल देखिएगा। तो श्री सैलम लेफ्ट बैंक अंडरग्राउंड हाइडल स्टेशन किस स्टेट में लोकेटेड है? एंड द आंसर इज तेलंगाना, ठीक है? ये जो नगर कुरनूल एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहां पे है, और यहाँ पे एक सीवियर फायर एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए न्यूज में नाम सुना होगा इसका, श्री सैलम लेफ्ट बैंक अंडरग्राउंड हाइडल स्टेशन, ठीक है? अब जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे टेम्परेचर अभी काफी हाई है, इस वजह से जो कमिटीज या जो टीम्स जा रही थी ना वहां पे डिजास्टर का असेसमेंट करने के लिए और रिकवरी के लिए, मतलब उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, बट लेट अस होप कि चीजें जल्दी नॉर्मल में लौटे, ठीक है? तो श्री सैलम का जो स्टेशन है ये है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर टू, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर्स, आपको बताना है कि इस काउंसिल के चेयरपर्सन कौन रहेंगे? एंड द आंसर इज जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर रहेंगे वो इसके आंसर, मतलब जो भी सोशल जस्टिस मिनिस्टर की पोस्ट पे रहेंगे वो इस काउंसिल के चेयरपर्सन रहेंगे, ठीक है? फिलहाल मिस्टर थावर चंद्र गहलोत वो हैं, तो वो चेयरपर्सन रहेंगे, बाकी जो भी इस पोस्ट में आता रहेगा वो बाय वर्च्यू ऑफ द पोजिशन बन जाएगा, ठीक है? क्लियर है बात? चलिए, तो बाकी इसमें काफी और मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स भी हैं, बट चेयरपर्सन की बात इंपॉर्टेंट होती है, हमने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लीसा स्थेलेकर, ठीक है, शी हैज बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, तीन प्लेयर्स को इंक्लूड करा है, उसमें से लीसा भी इंक्लूड करी गई हैं, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? एंड द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी ना उसमें शी वॉज द मेंबर एंड शी इज अ ऑलराउंडर, ठीक है? बाकी दो प्लेयर्स कौन है देख लीजिए, तो इन तीनों को मिला था, बीच में आप लीसा का फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जैक कैलिस ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ साउथ अफ्रीका जानते हैं हम लोग, और ये मिस्टर जहीर अब्बास, ठीक है, ही इज अ वेरी ग्रेट ग्रेट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, और 70s और 80s के टाइम पे बहुत ही बढ़िया बैट्समैन होते थे, और इनको एशियन ब्रैडमैन भी कहा जाता था, जहीर अब्बास, ठीक है? तो इन तीनों को इंक्लूड करा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स की फील्ड से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो हु इज हेडिंग द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? एंड द आंसर इज जयराम रमेश, ठीक है? फ्रेंड्स, जो डीएनए बिल है एक, ठीक है, उस बिल पे एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट करी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उन्होंने बोला है कि जो डीएनए बिल है इसके हिसाब से एक कलेक्शन और प्रोफाइल, मतलब सैंपलिंग और प्रोफाइलिंग करी जाएगी डीएनए, किसके डीएनए, वो सिटीजन्स जो किसी क्राइम के लिए अक्यूज हैं या फिर जो मिसिंग है। अब ये कमिटी की रिपोर्ट पता है क्या बोल रही है, कि इस तरह की सैंपलिंग और प्रोफाइलिंग करने की जो डीएनए की करा जाएगा उससे नुकसान ये है कि हो सकता है कि किसी कास्ट या कम्युनिटी टारगेटेड या बेस्ड प्रोफाइलिंग ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ये पॉइंट बोला है कि वो एक खतरा इस बिल या एक्ट से हो सकता है, ठीक है? बाकी और भी कुछ फाइंडिंग्स हैं, बट हेड का नाम है जयराम रमेश। क्वेश्चन नंबर फाइव, बोंडा ट्राइब किस स्टेट की? ये ट्राइब वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोंडा ट्राइब उड़ीसा से है, जो मलकानगिरी का हिली एरिया है ना उड़ीसा में, वहां पर ट्राइब बिलोंग करती है। इस ट्राइब के चार लोगों को कोविड पॉजिटिव निकल के आया है अभी, हाँ चार लोगों को कोविड पॉजिटिव निकल के आए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन में अंडमान के लिए भी लाऊंगा, वहां पे भी ट्राइबल लोगों में, क्योंकि ट्राइबल पीपल आइसोलेटेड होते हैं, उनमें कोविड का फैलना एक रिस्की बात है, ठीक है? अब नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट कितने लोग को हुआ है, बट यहाँ का नंबर चार है, तो अब बट उन्हें आइसोलेशन में, मतलब बेसिकली सरकार भी पूरा ध्यान रखती है कि प्रॉब्लम ना हो आगे। पर क्वेश्चन जो बनता है हमारा कि बोना ट्राइब कहां से बिलोंग करती है, मलकानगिरी एरिया, हिली एरिया है उड़ीसा, ठीक है? अंडमान वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे has been inaugurated in which city? And the answer is Guwahati. नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र और शहर का नाम है गुवाहाटी, एंड लगभग आप कह लीजिए 1.82 ऐसा कुछ डिस्टेंस है, उतने किलोमीटर के आसपास का ये पूरा रोप वे बना है, शायद 1.82 या 1.84 ऐसा कुछ था, बट ठीक है उसके आसपास ही है। एक पीकॉक आइलैंड है जहाँ पे बहुत फेमस मिडिवल शिवा टेम्पल है, उससे पास से होता बिल्कुल ही निकलेगा, और शहर गुवाहाटी, लॉन्गेस्ट रिवर रोप, ठीक है? आप में से कुछ लोग अगर इसमें ट्रैवल कर चुके हैं तो भी बताइएगा, इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आल्सो, ठीक है? और यूटिलिटी तो है ही ऑब्वियसली चीज।
गुवाहाटी नाम ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेवन, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन री इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19 हैज बीन रिपोर्टेड इन विच कंट्री, एंड द आंसर इज हांगकांग। एक इंसान को दोबारा हुआ जिसको 4.5 पहले हुआ था, फिर वो सही हो गया, फिर उसके 4.5 महीने के बाद, 4.5 मंथ के बाद उसको दोबारा इन्फेक्शन हो कोविड-19 का। दिस शोज दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये बहुत केयरफुल रहने का ये टाइम चल रहा है, हम कभी भी सिचुएशन को कंप्लेसेंसी से या लाइटली नहीं ले सकते। एनीवेज द आंसर इज हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्चुअल क्वेश्चन, इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है। चाइना हैज लॉन्च्ड एडवांस्ड नेवल वॉरशिप टाइप 054 क्लास फ्रिगेट फॉर विच कंट्री। तो 054 टाइप का जो एक नेवल वॉरशिप है, ये किस कंट्री के लिए चाइना ने लॉन्च किया है, एंड द आंसर इज पाकिस्तान। ठीक है, तो बस नाम से पूछ सकते हैं बनाया चाइना ने है पाकिस्तान के लिए बनाया है, डिटेलिंग और उतने पूछेंगे, बट एडवांस लेवल का है ये, हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वेतलाना तिखानोवस्काया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है, आप स्वेतलाना फर्स्ट पर याद रख सकते हैं, अभी न्यूज में चल रही है ये, शी इज द अपोजिशन लीडर ऑफ विच कंट्री, एंड द आंसर इज बेलारूस। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है, ये सिक्स टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं बेलारूस की। ये सवाल मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में पूछा था, पर उनके इलेक्शन से काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। सब लोग कह रहे हैं कि इनका इलेक्शन फेयर नहीं था, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नहीं थे, बहुत सारा का, तो आम जनता और अपोजिशन लीडर सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इनका नाम है, खुश करते हैं प्रोनाउंस करने की, तिखानोवस्काया, ठीक है, एंड द फर्स्ट नेम इज स्वेतलाना, शी हैज फ्लेड द कंट्री, बट ये अपोज कर रही है, और उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में स्पीच भी दिया है। उन्होंने बोला है कि ये कंट्री का एक पीसफुल मूवमेंट है और कंट्री को इंसाफ, मतलब वो ये बोल रही है कि इट्स अ पीसफुल मूवमेंट गोइंग ऑन इन दी कंट्री, जिसमें लोग भी जुड़े हैं देश के और बेलारूस के और बाकी अपोजिशन लीडर्स भी। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि लुकाशेंको का ये इलेक्शन फेयर नहीं था, उनको हटाने के लिए पूरी मुहिम चल रही है। आई थिंक लुकाशेंको इज अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड, तो उनकी बात हमने पिछले वीडियो में करी थी। अपोजिशन लीडर, इनका नाम भी, शी इज लीडिंग, मतलब ये काफी पूरा मेहनत से पूरा अपोजिशन मूवमेंट को लीड कर रही है, पर इन्होंने अभी कंट्री को फ्लेट किया, मतलब कंट्री से बाहर है, जो पड़ोसी कंट्री लिथुआनी ना, वहां पे गई है, पर बेसिकली बेलारूस का माहौल अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, लॉट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, अब देखते हैं क्या कहानी निकलती है। खैर, इनका फोटो देख लीजिए, शी इज द वर्ल्ड। ठीक है, अब थोड़ा नजर रखना पड़ेगा इस पूरे एपिसोड में कैसे वाइंड अप होता है, बट नाम मैंने बता दिया, बेलारूस इज इन फोकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक बात और है, ये जो लुकाशेंको है ना, इनके लिए कहा जाता है कि ही इज वन ऑफ द लास्ट डिक्टेटर्स ऑफ यूरोप। धीरे धीरे सब लोग हट रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अब ये भी शायद हट जाए, पता नहीं, फिलहाल वो इलेक्शन तो जीते हैं, अब अपोजिशन और इस पूरे प्रोटेस्ट का क्या आउटकम निकलता है देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्चुअल है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्चुअल सिंगल वर्ड में बहुत जरूरी बनता है। विच इंडियन बैंक हैज अनाउंस द यूज ऑफ सैटेलाइट डेटा इमेजरी फॉर फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इट्स कस्टमर बिलोंगिंग टू फार्म सेक्टर। तो फार्म सेक्टर के जो कस्टमर है उनको क्रेडिट या लोन देने के लिए जो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू कौन सी बैंक करने वाली है, काफी इनोवेटिव रास्ता मालूम पड़ता है। आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो सैटेलाइट में जो बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं उनकी इमेजेस का इस्तेमाल करके आईसीआईसीआई बैंक उसके इनपुट से ये डिसाइड करेगी व्हाट इज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम द फार्म सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलोमी घातक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, एंड द आंसर इज टेबल टेनिस। ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेबल टेनिस नाउ, बट शी इज अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन। 7 नेशनल टाइटल्स उन्होंने जीते हैं, फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने रिटायर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिकल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पुलिकल्ली इज अ ट्रेडिशनल इंडियन फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट। आंसर है केरला। फ्रेंड्स, आपने सुना है इस डांस के बारे में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया डांस होता है। ठीक है, स्टेट पुलिकल्ली का है केरला, इसे टाइगर डांस बोलते हैं। इसमें जो बॉडी है पूरा टाइगर के शेप में लोग पेंट करवा के डांस होता है, देख लीजिए फोटो, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसको टाइगर डांस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, रीजन आपके सामने, इट इज वेरी मच एविडेंट, तो पूरे टाइगर की तरह इस तरह से करते हैं। ठीक है, कभी आपने डांस देखा हो तो मुझे बताइए, इट्स वेरी, मैं भी थोड़ा देखता हूँ कुछ वीडियोज वगैरह इसके। तो पुलिकल्ली टाइगर डांस केरला, स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ NDHM, मतलब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, हैज बीन रिलीज बाय NHA, मतलब कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आपको यह बताना है, खबर तो मैंने बता दी आपको क्वेश्चन में, आपको यह बताना है कि हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ NHA। अब सवाल देखिएगा, NHA का जो मिशन होता है ना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसमें डेटा मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भाई डेटा सिक्योर भी रहे, प्राइवेट भी रहे, उसका इफेक्टिव यूज कराया जा सके, उसके लिए डेटा मैनेजमेंट जो पॉलिसी है, ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक,
डिजिटल हेल्थ की फील्ड में। अब इसमें ये रिलीज करा है एज पर द एनडीएचएम जो मिशन है, और रिलीज किया एनएचए ने। एनएचए के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम बताना है आपको, आंसर इज इंदु भूषण। तो खबर सवाल में दिख रही है, फैक्चुअल नाम जो इन्वॉल्व है वो इंपॉर्टेंट होता है। इंदु भूषण इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनएचए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हु विल हेड द 5 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी टू रिव्यू द चार्टर ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑल दी लेबोरेटरीज ऑफ डीआरडीओ। इट्स इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन। आप कई बार सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे आपको सिटीजन चार्टर मिलता है, वैसे ही चार्टर ऑफ ड्यूटीज होता है डीआरडीओ लैब्स का, कि बेसिकली क्या इस लैब को करना चाहिए, क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी एंड द बेसिकली बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स इसमें होते हैं। उसके रिव्यू के लिए ये चार्टर ऑफ ड्यूटीज जो है एक कमिटी बनाई गई है, उसे कौन हेड करेगा आपको बताना है। एंड द आंसर इज वी रामगोपाल राव। ही इज द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर है वी रामगोपाल राव। ठीक है, वो इस पूरी कमेटी को हेड करेंगे। बाकी मेंबर्स के नाम भी है बट देर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस हेड का नाम ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कमेटी क्या रिकमेंड करती है, कैसे करती है, उसका वेट करेंगे, बट हेड का नाम अभी पूछ सकते हैं तो इंपॉर्टेंट है। चले इकोनॉमिक्स की फील्ड पे चलते हैं। ओवर 2000 इंडियन वेंडर्स हैव मूव टू सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, टू फाइल। ठीक है, ये एंड नहीं एन होगा, टू फाइल एंड एंटी ट्रस्ट केस अगेंस्ट विच कंपनी। तो जो 2000 इंडियन वेंडर्स हैं ये किस कंपनी के खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस दायर करना चाहते हैं। एंड द आंसर इज एमेजॉन। ये लोग पता है क्या बोल रहे हैं, ये वेंडर्स ये बोल रहे हैं कि जो कंपनी एमेजॉन, वो कुछ वेंडर्स जो काफी डिस्काउंट देते हैं ऑनलाइन उनको प्रायोरिटाइज करके उनका एक्स्ट्रा प्रिविलेज या सपोर्ट करती, तो उससे वो, ये बाकी लोग बोल रहे हैं कि वो लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एक फेवर करा जाता है कि ये लोग थोड़ा अमेजॉन फेवर करती है कुछ ऐसे वेंडर्स को जो बहुत हाई डिस्काउंट देते हैं ऑनलाइन, इस कारण से जो बाकी वेंडर्स हैं वो उन्हें बहुत नुकसान होता है और धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो इसी के अगेंस्ट एक यहाँ पे केस फाइल हो रहा है। इट्स अ इंपॉर्टेंट केस क्योंकि ना ऑनलाइन डिस्काउंट की कहानी बहुत लंबी है, इस पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, काफी केसेस लग रहे हैं, पता नहीं मतलब इसमें बोलते भी कि नई पॉलिसी आने वाली है क्या, कैसे पता नहीं, बट फिलहाल इस केस का देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। अभी केस शुरू हुआ, आउटकम देखना पड़ेगा कि ये पूरी डिस्काउंट वाली कहानी जाती कहाँ है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली एवरी वेंडर हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली, दैट इज द लॉ, दैट इज वेरी मच क्लियर, बट यहाँ पे केस का आउटकम क्या निकलता है, इट माइट हैव सम वेरी लॉन्ग लास्टिंग आउटकम्स फॉर द एंटायर ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, देखते हैं चलो। ठीक है, बट फिलहाल अमेजॉन इज द आंसर फॉर दिस वन, आगे जो भी अपडेट है बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16, फैक्चुअल सवाल, एक रिपोर्ट या इंडेक्स के बेसिस पर विच स्टेट हैज टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जिसको रिलीज किया है नीति आयोग। इंडेक्स या रिपोर्ट का नाम बनाया किसने है, बनाया किसने है, और टॉप रैंक्स की हमको बात करनी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 रिलीज किया नीति आयोग ने। टॉप पे है गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बस ये 3 मेंबर्स, नीति आयोग और नाम, और कुछ नहीं पूछेगा बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 पे गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए क्वेश्चन हमने उड़ीसा के लिए किया था बोंडा ट्राइब के लिए, अब यही क्वेश्चन अंडमान एंड निकोबार के लिए बनता है। 5 मेंबर्स ऑफ विच पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। फ्रेंड ध्यान रखना, वो जो उड़ीसा में बोंडा ट्राइब की बात कर रहे थे वो भी पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, चलिए अब 5 मेंबर कौन सी ट्राइब जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है उन्हें कोविड पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, एंड द आंसर इज ग्रेट अंडमानीज ट्राइब। इस ट्राइब के सिर्फ 74 मेंबर्स हैं और ये आपस में जेरू लैंग्वेज में बात करते हैं, जेरू, JERU, और 5 मेंबर्स को हुआ है इसमें, आई थिंक 4 मेल और 1 फीमेल है। इनको पोर्ट ब्लेयर में एक आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। दे आर कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट, अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, लेट अस होप। अभी तक कोई ऐसा डेंजर की बिल्कुल बात यहाँ पे नहीं है, बट जल्दी सही हो जाए तो अच्छी बात है। बट आइसोलेटेड ट्राइब्स में इस तरह से बीमारी का फैलना थोड़ा ऑब्वियसली खतरे की बात होती है, बट फिलहाल सब कुछ फिलहाल ठीक है यहाँ पे, क्लियर है बात। चलिए, तो एक तो ये बात होगी, दूसरी बात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ना पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप 5 होते हैं टोटल। उन 5ों के नाम और देख लो क्योंकि सवाल वहां से बन सकता है। चलो, पहली तो हमने देखा अभी ग्रेट अंडमानी ट्राइब, पहली ट्राइब ये, दूसरी जरावाज, जरावा ट्राइब, तीसरी ऑंग्स, ऑंग्स ट्राइब, फिर शॉम्पेंस और नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ सेंटिनेलिस। ठीक है, ये 5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान और निकोबार आइलैंड में, ये 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब आती है, सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ग्रेट एंडमीज, जरावास, ऑंगिस, शॉम्पिंस और नॉर्थ सेंटिनेलिस। ठीक है, क्लियर, नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, एज पर द ड्राफ्ट रूल्स ऑफ इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी यूज्ड ओनली इफ एयरक्राफ्ट इज एट अ हाइट ऑफ, वो हाइट बतानी है आपको, पहले आंसर कर लो फिर मैं बैकग्राउंड बताता हूं आपको। 3000 फीट और अबव, ध्यान रखिएगा, डीजीसीए जो होता है, ठीक है,
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स निकाले हैं इन फ्लाइट वाईफाई, मतलब आप फ्लाइट के अंदर भी इंटरनेट यूज कर पाओ, पर इसमें जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर जो भी पैसेंजर्स फ्लाई कर रहे हैं उन्होंने रूल्स को तोड़ा तो प्यूनिटिव एक्शंस भी है, तो हमें बहुत केयरफुली रूल्स को ध्यान से फॉलो करना है। बहुत सारे रूल्स, उसमें इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब एयरक्राफ्ट की हाइट 3,000 फीट या अबव होती है। बाकी और रूल्स आप वो देख लीजिएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो ऑब्वियसली आप ट्रैवल करते तो आपको बताए जाएंगे, बट क्वेश्चन के हिसाब से ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, चलिए बाकी जब ट्रैवल करते हैं तो हैव टू बी वेरी केयरफुली अवेयर एंड फॉलो द रूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, बी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के चेयरपर्सन का नाम बताना है आपको। आंसर देख लो पहले, भानु प्रताप शर्मा, फोटो देख लीजिए, भानु प्रताप शर्मा ये है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। बैंक में जो भी टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो यही ब्यूरो करता है। स्टेट बैंक के चेयरमैन है मिस्टर रजनीश कुमार, उनका टर्म खत्म ही होने वाला है, तो अगले चेयरमैन कौन होंगे उसके लिए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ही इंटरव्यू लेगा, उसका डिसीजन गवर्नमेंट को कम्युनिकेट होगा जो फिर बाद में नोटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी जल्दी खबर आने वाली है मेरे साथ कि अगले एसबीआई के चेयरमैन कौन है। रजनीश कुमार जो एक्सटेंशन नहीं मिला उनका टाइम खत्म होने वाला है, अगले कौन आएंगे इसमें चांसेस है कि हो सकता है कि जो बैंक के एमडी हैं उनमें से कोई बन जाए, बट वो नाम जब तक फाइनल ना आता है हम उसका वेट करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक अगली खबर जरूरी बनेगी जब वो नाम आ जाएगा। ठीक है, पर ये पूरा काम अपॉइंटमेंट वाला करता है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जिसके हेड हैं, चेयरपर्सन है भानु प्रताप शर्मा। क्वेश्चन नंबर 20, एक मलयालम फिल्म है मध्य थिरु विथमकूर। ठीक है, दिस मूवी हैज बीन चूजन फॉर स्क्रीनिंग एट विच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एंड द आंसर इज मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के लिए इसको चूज करा गया है। दिस इज अ फिल्म ऑन माइग्रेशन एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उन सबके ऊपर पर ये मूवी बनी है। बहुत बढ़िया मूवी है, मतलब आई हैव नॉट सीन बट जो रिव्यूज वगैरह मैं आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, अच्छी मानी हुई मूवी है। खैर, कभी मौका मिला तो मैं देखना चाहूंगा इस तरह की मूवीज को। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के लिए इसको चूज करा गया। क्वेश्चन नंबर 21, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डाइवेस्ट 15% स्टेक, अपना 15% स्टेक डाइवेस्ट करना चाहता है किस स्टेट ओन्ड कंपनी में, एंड द आंसर इज एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इससे उम्मीद है कि अराउंड 5,000 करोड़ रुपीज का पैसा मिल सकता है अगर डाइवेस्टमेंट हुआ 15% का, तो ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है हेल्थ रीजन की वजह से, काफी खबरों में था ये, शिंजो आबे, फोटो देख सकते हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं अब तो थे, मतलब इन द सेंस उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो शिंजो आबे हैज रिजाइन। बहुत मतलब अच्छे, मतलब इंडिया और जापान के रिलेशंस थे ये, जितना मुझे याद आ रहा है इंडिया आए भी थे शायद और मोदी जी तो गए भी थे जापान, तो अच्छे रिलेशन चल रहे थे। हमारी बुलेट ट्रेन भी, उसमें भी जापान का कोलेबोरेशन है जीका का, तो ये जो भी बन रही है गुजरात महाराष्ट्र में, बट ही हैज रिजाइंड ड्यू टू हेल्थ रीजन, लेट अस होप कि इनकी हेल्थ सही रहे। और अगला पर्सन कौन है उसको भी खबर में इंक्लूड करेंगे जब अपॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक ओवर से क्वेश्चन है, जो कंपनी टेक ओवर करी गई है एक्विजिशन के ऊपर, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप, तो फ्यूचर ग्रुप के ये सारे बिजनेस किसने एक्वायर किए, एंड द आंसर इज रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने एक्वायर किया है, और आरआरवीएल किसका सब्सिडियरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, तो इस कंपनी का सब्सिडियरी है ये जिसने फ्यूचर ग्रुप के ये सारे बिजनेस को एक्वायर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, आप में से कई लोग इनके फैन भी रहे होंगे, हु वॉज द लीड एक्टर इन द ब्लॉकबस्टर मार्वल सुपर हीरो मूवी ब्लैक पैंथर। अब आप जानते हैं कि हमारे बीच में नहीं रहे, ये आंसर पहला आंसर देख लीजिए, चैडविक बॉसमैन। ठीक है, फोटो देख लीजिए, आप में से कई लोगों ने मूवी देखी होगी, इज नो मोर विद अस, कोलन कैंसर से ये लगभग 4 साल से सफर कर रहे थे, और ही वॉज फाइटिंग विद कोलन कैंसर, स्ट्रगलिंग विद दैट, एंड पूरा इलाज चल रहा था इनका, बट अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर विद अस, कोलन कैंसर रीजन था, चैडविक बॉसमैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कंधमाल सदर्न उड़ीसा में है, इट हैज द जीआई टैग फॉर विच कमोडिटी, तो कंधमाल जो एरिया सदर्न उड़ीसा में पिछले साल ही मिला है, मतलब 1 साल ही हुआ अभी, आंसर है हल्दी या टर्मरिक जो होती है ना, तो कंधमाल में ऑर्गेनिक हल्दी जो होती है बहुत फेमस है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, मतलब उसी एरिया की फेमस चीज, बट और वहां के लोग उम्मीद कर रहे थे कि इससे वहां पर फायदा होगा, फायदा हो भी रहा था, बट कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ और आप जानते हैं ग्लोबली कैसा माहौल चल रहा है, हर देश परेशान है, उस कारण से यहाँ के लोगों को भी काफी प्रॉब्लम आ रही है, जो टर्मरिक और हल्दी जो जिनके पास जो भी उगा रहे थे जहां पर भी पूरा इससे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको प्रॉब्लम आ रही है, बट खैर हमारा फैक्चुअल सवाल ये बनता है कि
कंधमाल के पास है जीआई टैग हल्दी का, टर्मरिक ऑर्गेनिक हल्दी होती है यहाँ पे, ऑर्गेनिक टर्मरिक, ठीक है। तो ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है, बट लेट अस होप चीज जल्दी ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 26, टॉय सिटी ऑफ चन्नपटना इज लोकेटेड इन विच स्टेट, एंड द आंसर इज कर्नाटका। मोदी जी ने अभी स्पीच में बोला था कि हमें आत्मनिर्भर होना है, उसमें टॉय इंडस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारी अभी काफी इंपोर्ट चाइना से होता है। 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ की पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री है, जिसमें हमारा शेयर बहुत कम है। तो मोदी जी ने ये भी बोला है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप वाले हैं, उनको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए टॉय के सेक्टर को, अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे ग्रो करने का। तो उसी के तहत एक खबर है कि चन्नपटना बहुत फेमस जगह है, टॉयज बनते हैं वहां पे, बट यहाँ के लोग भी थोड़ा परेशान हैं क्योंकि अभी कोविड के से जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो भी गवर्नमेंट के असिस्टेंस की उम्मीद रखते हैं। बट लेट अस होप कि इस पूरे चीज में, इस सेक्टर में भी हम अच्छा कर पाए और ऐसे शहर और अच्छे डेवलप हो, इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, ठीक है। तो चन्नपटना, इसको टॉय सिटी भी बोलते हैं कर्नाटका में, इंपॉर्टेंट है, कोई गया आप में से यहाँ पे तो बताना है, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि, और मैंने फोटोज वगैरह में भी थोड़ा देखा है कि टॉयज वगैरह, आप में से जो भी यहाँ पे जा चुका है या इसके आसपास रहता है बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 27, विच पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी विल एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन सिटीजन्स मेंटल हेल्थ। ये काम करेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स, तो ये कमिटी करेगी होम अफेयर्स वाली, इसके हेड है आनंद शर्मा जी, जो कि डिप्यूटी लीडर है अपोजिशन के राज्यसभा में, बेसिकली कांग्रेस पार्टी के आनंद शर्मा, तो वो हेड करते हैं होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को, जो ये पूरी रिसर्च या एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, स्पोर्ट्स की पीछे दो तीन सवाल हैं। विच कंट्री हैज वन द फाइट इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड। फाइट बेसिकली वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे चेस, मतलब चेस की ग्लोबल जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, तो जो एक इंटरनेशनल चेस ओलंपियड होता है उसको कौन जीता था आपको बताना है, एंड द आंसर इज इंडिया एंड रशिया, जॉइंट विनर्स थे, तो इंडिया एंड रशिया, इंडियन नहीं बोलेंगे, इंडिया काफी रहेगा यहाँ पे, इंडिया, ठीक है। तो जॉइंट विनर्स थे दोनों, इंडिया और रशिया, इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट। इंग्लैंड के बहुत ही बेहतरीन बॉलर जेम्स एंडरसन, फोटो देख लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो नंबर वन पे अभी है मुथैया मुरलीधरन, जो श्रीलंका के थे, उन्होंने लिए थे 800 विकेट। दूसरे नंबर पे शेन वॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे, इन्होंने लिए थे 708 विकेट्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे थे इंडिया के अनिल कुंबले, इन्होंने लिए थे 619 विकेट्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं जेम्स एंडरसन, इनके 600 विकेट पूरे हो गए। तो ये तीनों स्पिनर्स हैं, बॉलर्स में फास्ट बॉलर में सबसे पहले आते हैं जेम्स एंडरसन, टोटल में फोर्थ रैंक पर है। फिफ्थ रैंक पर है ग्लेन मैग्रा, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बॉलर, उनके विकेट का नंबर है 563, मैग्रा, ठीक है। तो मुरलीधरन, शेन वॉन, अनिल कुंबले इंडिया से, ये अपने जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के, और ये हैं क्या कहते हैं, क्या बोला था, ग्लेन मैग्रा ऑस्ट्रेलिया के, जानते हो तो सब फेमस नाम है। बाकी तो रिटायर हो गए, जेम्स एंडरसन तो अभी खेल ही रहे हैं, आई थिंक शायद रिसेंटली रिटायर होने वाले, पता नहीं अभी से कोई खबर नहीं मिली मुझे कि रिटायर होने वाले हैं, तो शायद हो सकता है रैंक थोड़ी और बढ़ जाए इनकी, बट फास्ट बॉलर में नंबर वन, तो टॉप फाइव मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है, चलो बढ़िया, फोटो दिखा दिया। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, डस्टिन जॉनसन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एंड द आंसर इज गोल्फ। यूएसए के गोल्फर हैं और इस वक्त वर्ल्ड के नंबर वन गोल्फर है एज पर द रिसेंट रैंकिंग, रैंकिंग थोड़ी बदलती रहती है तो आप अपडेट करते रहेगा, फिलहाल नंबर वन गोल्फर है यूएसए के, फोटो देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे 30 क्वेश्चंस, पूरे बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल, तो इससे हमारा अगस्त कंप्लीट हो जाता है, सितंबर का वीकली वीडियो में बनाता रहूंगा आपको और रिलीज करूंगा, ठीक है फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अपने फीडबैक्स कमेंट करिए और वीडियो लाइक कर देना, ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस।